मैच के लिए एक ट्रॉफी जो कि हम देख रहे हैं शानदार ट्रॉफी, और ट्रॉफी मिलेगी तला देशमुख 500, आर्यन हटेल 500, और जिन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत सारा योगदान दिया। जो हम मंडप देख रहे हैं, मंडप में हम सुकून की राहत में बैठे हुए अनिल, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और फाइबर नेटवर्क दापोली, जल्द से जल्द आप नेटवर्क इनका यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपको नेटवर्क मिलेगा। और अरे पीसते है त्या लोकांचा इंटरनेट सर्फिंग विदाउट बफरिंग देते आरामात लिखा तरी आरामात लिखा सर्फिंग बर्फिंग बफरिंग 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 इंटरनेट सर्फिंग विदाउट बफरिंग सुपर फाइबर नेटवर्क इंटरनेट सर्फिंग विदाउट बफरिंग बफरिंग इंटरनेट सर्फिंग विदाउट बफरिंग, जहां पर नेटवर्क हर जगह पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे गांव सुंडेगर में भी ये नेटवर्क आ चुका है, बहुत अच्छा नेटवर्क है। आप जाकर जल्द से जल्द इस नेटवर्क का लुत्फ उठाइए, बहुत सारी अच्छा अच्छा नेटवर्क जहां पर इस टूर्नामेंट के अंदर यूट्यूब के माध्यम से जो दिखाया जा रहा है, और उसके लिए जो इंटरनेट है वो जीवर फाइबर के नेटवर्क के माध्यम से यहाँ पर यूज किया जा रहा है। दापोली के अंदर इस नेटवर्क का बहुत महत्व है, जहां पर कैमरामैन सुबान के साथ ऑनलाइन स्कोरर अल्ताफ चिक्के और आकिब चिपलनकर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। फिर से एक बार मैं सुहेल नाथ गावकर सभी दर्शकों का और सभी खिलाड़ियों का तहे दिल के साथ स्वागत कर रहा हूं। यंग बॉयज क्रिकेट क्लब के सभी खिलाड़ी, छोटे छोटे जो खिलाड़ी हो, लाइनमैन का काम संभालना है प्लीज। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि लाइनमैन का काम संभालना है। चलो कोलतरे शत्रक्षण लाउन गया, चलो लवकर लवकर कोलतरे। कोलतरे के कैप्टन ने टॉस जीता, टॉस जीतने के साथ इलेक्ट्रिक टू बॉल फर्स्ट, पहले गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। जहां पर पांच ओवर का मुकाबला होगा और पांच ओवर के मुकाबले के अंदर तीन गेंदों की पेनल्टी होगी। तीन गेंदों की पेनल्टी जहां पर थोड़ा सा संघर्ष करते स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। गेंदबाजी के लिए श्री गेंदबाज मार्ग पर आए हैं। पहली ओवर के अंदर जहां तक बात की है श्री की, तो ये अच्छे गेंदबाज है। सलामी वीर तमाहिक बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर दाखिल हो रहे हैं। अल्तमश और अल्तमश नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज अजहर, पांच ओवर का मुकाबला। बैट्समैन नेम गरीब नवाज बुरुंडी, शब्बीर अल्तमश और शब्बीर दो सलामी वीर प्रमाहिक बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर दाखिल हो रहे। गेंदबाजी के लिए श्री आए हैं। फील्डिंग की बात की जाए, फील्डिंग अच्छी सजग रखी हुई, जहां पर मिड विकेट मिड ऑन एक सेकंड पर लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। आज का दिन है ग्रैंड फिनाले का दिन है, पांच ओवर का मुकाबला, यानी पहला मुकाबला कड़ा मुकाबला होगा। स्ट्राइकर बल्लेबाज अल्तमश, स्टोन स्ट्राइकर बल्लेबाज शब्बीर। राइट हम फोर विकेट, पहली गेंद जहां पर बात किया, पहली ही गेंद दिशा से भटक रहे हैं। नए गेंद के साथ थोड़ा सा गेंद स्विंग हुआ और गेंद एक्स्ट्रा के रूप में रन मिलेगी, जुड़ेगे रन। गरीब नवाज बुरुंडी का एक्स्ट्रा के रूप में खाता खोलेगा, जहां पर स्ट्राइकर बल्लेबाज अल्तमश को देख रहे हैं। फील्डिंग की बात की जाए, मिड विकेट मिड ऑन एक्स्ट्रा के ऊपर लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद। अगली गेंद
अच्छी गेंद, इस बार गेंद सीधा जाकर इस लाइन पर थी जहां पर अच्छा डिफेंस किया, डिफेंसिव स्ट्रोक देखने मिला बल्लेबाज अल्तमश की ओर से। यहाँ पर पहली ओवर का खेल प्रगति बचारा श्री गेंदबाजी कर रहे हैं, प्रोजेक्टर स्कोर की बात की जाए 28 रन बन सकते हैं पहली ही गेंद से, प्रेडिक्शन चालू हो गई है। राइट मुहूर्त विकेट के साथ श्री पहली गेंद पर उड़ाना चाहते थे, गेंद के नीचे फील्डर कीपर आ रहे हैं और पहले विकेट का बटन ब्रेक थ्रू दिलाते हुए गेंदबाज श्री। पहली गेंद वाइड थी, दूसरी गेंद पर अच्छी डिफेंसिव शॉट स्ट्रोक खेला था, लेकिन तीसरी गेंद पर लंबा शॉट खेलने के चक्कर में विकेट का बटन बड़ी मछली जाल में बचती हुई। अब अगले बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर दाखिल हो रहे, किस बल्लेबाज को वन डाउन के रूप में मैदान के अंदर भेजेंगे देखने वाली बात। साहिल पिच मैदान के अंदर दाखिल हो रहे हैं। साहिल स्टार्ट पर आ रहे हैं जहां पर तीसरी गेंद लेकर राइड मुहूर्त विकेट, अच्छा शॉट खेला इस बार बल्लेबाज साहिल ने, एक रन आसानी के साथ मिलेगा फील्डर मौजूद वहां पर, जहां पर एक रन मिलेगा डिक्लेरेशन एरिया के रूप में खेला हुआ शॉट, साहिल ने अपना खाता खोला है पहली ही गेंद पर। जहां तक रन संख्या की बात की जाए कुल मिलाकर 2 रन बने हैं, 1 विकेट का नुकसान वही पहली ओवर का खेल प्रगति पर चल रहा है। जहां पर स्ट्राइकर बल्लेबाज साहिल जर्सी नंबर 18, जब जब 18 नंबर आता है तब तब विराट कोहली की याद आती है और विराट कोहली वन डाउन के रूप में इंडिया के लिए बल्लेबाजी करते हैं। साहिल भी उसी जगह पर बल्लेबाजी के लिए आए हैं, क्या इस बार ये मुकाबले के अंदर अच्छी बल्लेबाजी करेंगे। अच्छी गेंद थी, तेज तरार गेंद थी, खेलना चाहते थे स्टाक कवर की दिशा में लेकिन बिंदी गेंद आ रही है। जहां तक रन की बात की जाए रन संख्या की तो 2 रन बने 1 विकेट का नुकसान, श्री मैग्निफिसेंट किफायती गेंदबाजी कर रहे बीच मैदान के अंदर, किफायती गेंदबाजी हो रही है। फील्डिंग की बात की जाए मिड विकेट लॉन्ग ऑन, अच्छी गेंद थी, टाइम लगाई थी कीपर ने, जरूर एक मौका जरूर बना था बल्ले विकेट जाने का, कैच भी अच्छी लपकी लपक रहे थे लेकिन कैच ड्रॉप होती भी देखिए उड़ते हुए नजर आए थे कीपर। फिर से एक बार रिप्ले देखेंगे जहां पर गेंद ने थोड़ा सा कांटा बदला था और क्या कमाल का यहाँ पर एफर्ट था, जहां पर रन संख्या कुल मिलाकर 3, 1 विकेट का नुकसान, 5 गेंद हो चुकी है। गेंदबाजी के लिए श्री गेंदबाजी कर रहे हैं राइट मुहूर्त विकेट के साथ गेंदबाजी के लिए स्ट्राइकर पहली बार सबीर स्ट्राइक पर मौजूद है, जहां पर फील्डिंग रचमाक लगाई हुई है। मिड विकेट मिड ऑन, एक स्ट्राइक ओवर लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। जहां पर रन संख्या की बात की जाए कुल मिलाकर 3, 1 विकेट का नुकसान हुआ है। अब एंड चेंज करेंगे राइट राउंड विकेट के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद अच्छा शॉट खेला है, देखिए गेंद डिक्लेरेशन एरिया की तरफ ट्रैवल हो रही है, जहां पर एक ओवर का खात्मा होगा, रन संख्या कुल मिलाकर 5 बनी है और एक बल्लेबाज बैक टू दी बॉलिंग जाने के बाद थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आएगी जरूर गरीब नवाज बुरुंडी की टीम, जहां पर 5 रन बने 1 विकेट का नुकसान। यहाँ पर 5 रन बने 1 विकेट का नुकसान, गेंदबाजी के लिए यशवंत आ रहे हैं। जहां पर अपने कोटे से पहली टीम की ओर से दूसरी ओर लेकर गेंदबाजी मार्ग पर यशवंत आ रहे हैं। जहां तक बात की जाए सब फील्डिंग की, फील्डिंग अच्छी सजा के रखी हुई है। यशवंत राइट नंबर विकेट, छोटी हाइट शॉट गेंद को पुल किया, पुल बन रहा है सक्सेसफुल और गेंद निकल रही डिक्लेरेशन एरिया की तरफ, जहां पर 2 रन मिलेंगे। अरे साहिल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे बीच मैदान के अंदर, बात कीजिए 4 गेंदे और 4 रन पर बल्लेबाजी कर रहे, तो शब्बीर की बात की जाए 1 गेंद और 2 और यशवंत गेंदबाजी मार्ग पर आए हैं दूसरी ओवर के अंदर, दूसरी ओवर प्रगति पर चल रही है। राइट फॉर द विकेट, स्लोअर वन गेंद थी, बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में देखिए गेंद ने कांटा बदला था जरूर, गेंद सीधा कीपर के दस्तरों में लेकर रही है, जहां पर बिंदी गेंद आ रही है। इस बार आपको पार्टनरशिप बनाना बहुत जरूरी है, साझेदारी बनाएंगे तो ये मुकाबले के अंदर आप बड़ा टोटल खड़ा कर सकते हैं। गेंदों की पेनल्टी जरूर है, अच्छा शॉट खेला, शॉट गेंद को पुल किया, पुल बन रहा है फिर से एक बार सक्सेसफुल, 2 रन मिल रहे हैं, रन संख्या कुल मिलाकर जा पहुंच रही है 9 रन पर। जहां पर दूसरे ओवर का खेल पर गति बच रहा है, 3 गेंदें फेंकी है गेंदबाज यशवंत और 4 रन खर्च किए हैं। जहां पर आज का आखिरी दिन ग्रैंड फिनाले का दिन देख रहे हैं, जहां पर सुबह का सत्र और सुबह के सत्र के अंदर एक बड़ा मुकाबला, एक तरफ गरीब नवाज बुरुंडी और दूसरी तरफ हम देख रहे कोलतरे। यहाँ पर कोलतरे के कैप्टन ने टॉस जीता, टॉस जीतने के साथ इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट, पहली गेंदबाजी करते हुए पहली ओवर के अंदर 5 रन खर्च किए थे, 1 विकेट का पतन हुआ था
राइट एम फोर द विकेट, गेंदबाज यशवंत, अच्छी गिनती, फिर से एक बार अच्छा शॉट खेला है, गेंद डिक्लेरेशन एरिया की तरफ ट्रैवल, जहां पर कुल मिलाकर दो रन मिलेंगे। और साहिल की बात की जाए तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, सिंगल डबल के साथ बल्लेबाजी कर रहे, सेंसिबल क्रिकेट मैदान के अंदर खेला जा रहा है, जहां पर रन संख्या कुल मिलाकर 11 बनी, एक विकेट का नुकसान। दूसरे ओवर के अंदर गेंदबाजी के लिए यशवंत आए, कुल मिलाकर 4 गेंद फेंकी है और 6 रन खर्च किए हैं। अभी तक देखिए ऊंच नीच होती रहेगी इस मुकाबले के अंदर, अगर बात की जाए बाजू वाली टीम आमने सामने वाले गांव एक दूसरे के साथ भिड़ रहे हैं, एक तरफ कोलतरे दूसरी तरफ बुरुंडी, रन संख्या 11 पर ही एक विकेट का नुकसान, जहां पर आज का आखिरी दिन राइट एम फॉर द विकेट। ओहो, इस बार अंपायर का इशारा नो बॉल, यानी कि गेंदबाज दिशा से भटक रहे हैं, लगातार क्रिकेट का समीकरण हुआ, बताते चलो दिशा से भटकेंगे तो पड़ेंगे फटके, ये क्रिकेट का समीकरण है। रन संख्या कुल मिलाकर 12 बनी है, जहां पर एक विकेट का नुकसान हुआ है। दूसरी ओवर के अंदर गेंदबाजी के लिए यशवंत आए हैं, 4 गेंद फेंकी, 7 रन खर्च किए हैं। गेंदबाजी की बात की जाए थोड़े से स्ट्रगल कर रहे हैं, इस बार पाले में गेंदी जरूर खेला है, गेंद सीमा रेखा की तरफ ट्रैवल हो रही, अच्छी कैच, रनिंग कैच पकड़ी और बल्लेबाज साहिल का खेल खत्म, दूसरे विकेट का बटन, अच्छा शॉट जरूर खेला था, स्टैंड एंड डिलीवर किया था, लेकिन पाले में गेंदी लालच बुरी बला है, जहां पर बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा बैक टू द पवेलियन। जहां तक बात की जाए तो अगले बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर दाखिल हो रहे कैफ, ये अच्छा खिलाड़ी है, देखिए देखने वाली बात, ऑलराउंडर खिलाड़ी, अच्छा शॉट खेला, पॉइंट की दिशा में हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट, एक रन आसानी के साथ मिलेगा, दूसरा रन लेना चाहते हैं और दूसरा रन भी आसानी के साथ, गेंद ट्रैवल हो रही, थोड़ी सी मिसफील्ड देखने मिली वहां पर, तीसरा लेना चाहते हैं, तीसरा रन भी आसानी के साथ, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट बीच मैदान के अंदर, यहाँ पर देखिए दो ओवर का खत्म हो रहा है, रन संख्या कुल मिलाकर 15, दो विकेट का नुकसान हुआ। कैफ ने एक पॉइंट की दिशा में शॉट खेला हुआ, थोड़ी सी मिसफील्ड देखने मिली और मिसफील्ड होने की वजह से देखिए कुल मिलाकर बात की जाए तो 15 बने ही, दो विकेट का नुकसान हुआ है। देखिए गोलतोरे वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट, पहले फील्डिंग करते हुए कुल मिलाकर पहले ओवर के अंदर 5 रन खर्च किए थे, लेकिन यशवंत दूसरी ओवर के अंदर आए हैं और कुल मिलाकर 10 रन खर्च किए, यानी रन संख्या 15 बनी है, 15, दो विकेट का नुकसान। श्री गेंदबाजी मार्ग पर अपने कोटे से दूसरी टीम की ओर से तीसरी ओवर लेकर, ये पहली गेंदबाज ही आए थे जब अच्छी गेंदबाजी की थी, अच्छा शॉट खेला, देखिए गेंद आप पाले में जरूर थी, खेला मिड विकेट की दिशा में जहां पर फील्डर मौजूद है, थोड़ी सी आउटफील्ड खराब है, एक रन आसानी के साथ, दूसरा रन भी कंप्लीट होगा आसानी के साथ, दो रन के साथ संतुष्टि होगी, रन संख्या कुल मिलाकर 17 रन पर जहां पूछ रही है, जहां पर 17 पर लग सकता है खतरा, क्या श्री गेंदबाजी मार्ग पर कैफ का विकेट लेंगे, देखने वाली बात। अगली गेंद राइट एम फॉर द विकेट, उड़ाया जरूर, गेंद ने लिया था ऊपरी हिस्सा, गेंद निकल रही है, कीपर के दस्तानों में जहां पर रन संख्या को मिलाकर 18 बन रही है, और रन संख्या की बात की जाए तो कुल मिलाकर 18, दो विकेट का नुकसान। जब तक कैफ है तब तक बड़े शॉट खेलते हुए नजर आएगी ये बल्लेबाज शब्बीर, देखिए अगर बात की जाए तो तीसरी ओवर का खेल पर गति बचा रहा, शब्बीर दूसरा गेंद खेल रहे हैं, यानी शब्बीर को पूरी तरह से नॉन स्ट्राइक पर रखा है, अच्छा शॉट खेला है, पुल किया, फील्डर वहां पर मौजूद है जरूर, देखने वाली बात, फील्ड अच्छी की है लेकिन दूसरा रन लेना चाहते हैं, लेकिन एक रन के साथ ही संतुष्टि होगी, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट हम देख रहे हैं बीच मैदान के अंदर, कैफ और शब्बीर थोड़ी सी साझेदारी पनप रही है बीच मैदान के अंदर, रन संख्या 19, दो विकेट का नुकसान। तीसरी ओवर का खेल प्रगति बचा रहा, जहां पर 5 ओवर का मुकाबला कोलतरे वर्सेस बुरुंडी के बीच, पाले में गेंद उड़ाया, गेंद को गेंद के नीचे फील्डर आया लेकिन स्टैंड एंड डिलीवर किया गेंद को, गेंद सीमा रेखा की तरफ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट एंड जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, क्या शॉट खेला, शानदार स्ट्रोक था। मैंने पहले ही कहा था कि कैफ एक बड़े हिटर है और ये कभी भी अपने इरादों को जाहिर कर सकते हैं। रन संख्या कुल मिलाकर जहां पूछी देखिए अगर बात की जाए 25-25, अगले गेंद राइट एम फॉर द विकेट, पॉइंट की दिशा में शॉट खेला, फील्डर मौजूद जरूर लेकिन गेंद डिक्लेरेशन एरिया की तरफ ट्रैवल, 2 रन मिलेंगे। देखिए एक छक्का लगाने के बाद दूसरी गेंद पर सम्मान दिया गेंदबाज को, ये बड़े खिलाड़ी की देखिए निशानी है, एक रन, ओके एक रन मिलेगा, एक रन के साथ 26-26। तीसरे ओवर के अंदर श्री आए हैं और श्री थोड़े से इस बार इस ओवर के अंदर महंगे साबित हुए हैं, 4 रन खर्च गए, राइट एम फॉर द विकेट। अगली गेंद
अच्छा शॉट खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर मौजूद, थोड़ी सी आउटफील्ड खराब होने की वजह से देखिए एक ही रन मिलेगा। एक रन के साथ कैफ अपने पास स्ट्राइक रखेंगे जहां पर तीन ओवर के खात्मे के बाद रन संख्या 27 बने हैं। दो विकेट का नुकसान यहाँ पर देखिए छक्के लगे लगते रहेंगे जहां तक बात की जाए कैफ की। कैफ 5 गेंद पर 13 रन पर बल्लेबाजी कर रहे, 260 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक छक्का लगा चुके हैं देखिए बल्लेबाज, जहां तक बात की जाए तो एक अच्छे खिलाड़ी है ऑलराउंडर खिलाड़ी कैफ। बीच मैदान के अंदर पार्टनरशिप बन रही है, पार्टनरशिप जाकर पहुंची 15। इस बार देखिए शॉट खेला और ये सी मारे का गिद्रा वन बाउंस, 4 रन मिलेंगे जहां पर बल्लेबाज कैफ के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका मिलेगी 4 तो होगा बेड़ा पार, सी मारे का पार, ये तो ब्रांडेड चौका। रन संख्या 31 लॉस ऑफ 2 विकेट्स, बॉलर नेम पूजन गेंदबाजी के लिए राइट हम द विकेट। अच्छी गिनती इस बार देखिए अंपायर जोरदार अपील हुई है, देखिए थोड़ी सी चर्चा हो रही है, चर्चा हो रही है, देखिए चर्चा करेगी तो चर्चे में हो रहेंगे, लेकिन दोनों अंपायर अब इस डिसीजन के लिए चर्चा कर रहे हैं। रन संख्या 31 लॉस ऑफ 2 विकेट्स, पूजन गेंदबाजी कर रहे हैं और अंपायर का इशारा विकेट, बल्लेबाज का है बैक टू द पवेलियन, एक तेरी तो एक मेरी, तू शेर है तो मैं सवा शेर हूं। देखिए कैफ चलेंगे बैक टू द पवेलियन जहां पर विकेट के पतन में तीन अगले बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर आ रहे हैं। शोहेब गेंदबाजी के लिए पूजन की बात की जाए तो पहली गेंद पर चौका लगने के बाद दूसरी गेंद पर कमबैक किया, शॉट गेंद थी, गेंद सीधा कीपर के दस्ते में निकल रही है जहां पर अंपायर का इशारा वाइड आ रहा है। रन संख्या जाकर पहुंचे कुल मिलाकर 32 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। चौथे ओवर के अंदर गेंदबाजी के लिए हम पूजन को देख रहे हैं राइट ऑफ द विकेट, अच्छा गेंद थी, फुट पास लो फुट पास गेंद थी, इसको खेला मिड विकेट की दिशा में जहां पर कुल मिलाकर एक ही रन मिलेगा और एक रन के साथ बल्लेबाज शोहेब अपना खाता खोलेंगे। शब्बीर की बात की जाए सलामी में आए हैं, परमाइक आए अभी तक डट के खड़े हैं, लेकिन चौथे ओवर का खेल उन्होंने खेले गेंद कुल मिलाकर 3 बनाए रन 4, यानी ज्यादातर उनको नॉन स्ट्राइक पर रखा गया। देखने वाली बात लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अच्छी शॉट के लिए गेंद निकलते डिक्लेरेशन एरिया की तरफ जहां पर रन आउट का मौका बन सकता है, जरूर रनिंग बिटवीन द विकेट, चीके सिंगल मिलेगा और रन संख्या 34 रन पर जा पहुंच रही जहां पर तीसरी विकेट का पतन हो रहा है। यानी कि आने वाली दो गेंदे चौथे ओवर के अंदर गेंदबाजी के लिए हम पूजन को देख रहे हैं, 4 गेंदों के अंदर 7 रन गज गए हैं और एक बड़ा विकेट बड़ी मछली जाल में फंसाई पूजन ने, कैफ को बैक टू द पवेलियन भेजा था। अगली शॉट गेंद हो तेज तरहार गेंद इस बार अनएक्सपेक्टेड पेस नजर आया गेंदबाजी मार्ग पर जहां तक बात की जाए, लेकिन बात पूजन की ओर से जहां पर 5 गेंद हुए हैं, रन संख्या की बात की जाए तो 34 एक आपको बड़ा टारगेट सेट करना बहुत जरूरी है राइट ओवर द विकेट। फिर से एक बार अच्छी गेंद, दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में थे बल्लेबाज, जरूर बल्ला घुमाया था लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं है, गेंद जाकर सीधा कीपर के दस्तों में टकराई जहां पर 4 ओवर का खात्मा, रन संख्या 34 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। आने वाली 6 गेंदे और 6 गेंदों पर कितने रन बनेंगे, कितना टारगेट रखेंगे, देखने वाली बात, क्या सोच के साथ बल्लेबाजी करेंगे शब्बीर और शोहेब। शोहेब स्ट्रगल कर रहे बीच मैदान के अंदर, देखिए आमने सामने गांव है, एक तरफ कोलतरे दूसरी तरफ बुरुंडी, यानी ये मुकाबला कड़ा होगा, बिग होगा, बिग बैटल देखने मिलेगी जहां पर 4 ओवर के खात्मे के बाद रन संख्या 34 34 रन बने हैं और 3 विकेट का नुकसान हुआ है। अगर कोई भी नई टीम आई होगी तो कमेंट्री बॉक्स में अगर अपना नाम दर्ज करे, जालगांव और पालंदे अगर आप आए हो तो जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स पे ना के। बॉलर नेम
ए बॉलर तो ना आप किशोर का एंट्री करके हेलो मार्क पर राइट ब्राउंड विकेट के साथ देखने वाली बात है। अच्छा शॉट खेला जरूर, फील्डर वहां पर कीपर मौजूद है। कीपर की बात की जाए तो अच्छी कीपिंग कर रहे हैं अभी तक, जहां तक बात की जाए विकेटों के पीछे काम कर रहे हैं। और हम देख रहे लगातार महेंद्र सिंह धोनी को काम करते विकेट के पीछे। जहां पर इस फील्डर की कीपर की बात की जाए तो अच्छा अभी तक कीपिंग की है। हर गेंद को लपका है, 35 रन बने हैं, 3 विकेट का नुकसान हुआ है। पांचवे ओवर का खेल प्रगति पर चल रहा है, जहां पर रन बने हैं 35, आने वाले 5 गेंदों पर स्ट्राइकर बने शो है। ब्राइट नंबर विकेट, पाले में गेंद है, गेंद को उड़ाया जरूर, फील्डर मौजूद है, गेंद निकल रही है। देखने वाली बात, अच्छी फील्ड करेंगे वहां पर, थोड़ी सी आउटफील्ड खराब जरूर है। देखने वाली बात, इस बार थोड़ा सा खराब थ्रो किया जरूर, फील्डर बैकअप के लिए आएंगे, 2 रन मिलेंगे और 2 रन के साथ रन संख्या को बढ़ाकर 37 रन हो जा पहुंच रही। पर तीसरे विकेट का जरूर पतन हुआ है। कोल्तरे ऑन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट, जहां पर फील्डिंग करते हुए गेंदबाजी करते हुए कुल मिलाकर रन बनाए हैं 37, लॉस ऑफ 3 विकेट्स का पतन हुआ है। अगली गेंद शॉर्ट गेंद, गेंद हवा में है, गेंद के नीचे फील्डर आ रहे हैं। देखने वाली बात, 1 रन आसानी के साथ मिलेगा, आउटफील्ड खराब है, आउटफील्ड खराब होने की वजह से दूसरा रन कंप्लीट होता आसानी के साथ, तीसरा लेना चाहते। देखने वाली बात, क्या रन आउट का पतन होगा, थोड़ा सा खराब थ्रो किया इस बार, 4 रन की इस बार गुंजाइश होगी क्या। देखने वाली बात, यहां पर अच्छी रनिंग भी थी विकेट की, लगातार आपको गेंदबाज को फील्डर का साथ होना बहुत जरूरी है। रन संख्या 40 बनी है, 3 विकेट का नुकसान, 5वें ओवर का खेल प्रगति पर चल रहा है, 3 गेंद आना बाकी है। प्रोजेक्टिव स्कोर की बात की जाए 42 बन सकते हैं, यानी गेंदबाज के पास मौका है इस बार विकेट लेने की, बिंदी ही गेंदे डालने का मौका। जहां तक बात की जाए पार्टनरशिप, 7 गेंदे और 9 रन बने हैं। शब्बीर जो कि सलामी में आयु बल्लेबाज, 5 गेंदे अभी तक खेली है और 6 रन बनाए हैं। जहां पर राइट राउंड विकेट के साथ गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार मुक्कन तैयार है। दापुली इवेंट्स के माध्यम से टूर्नामेंट का पूरा प्रोत्साहन पूरे इंडिया के अंदर हो या आउट ऑफ कंट्री हो, सब जगह पर दिखाने का काम कर रहे हैं। अच्छा गेंद, यॉर्क लाइन की गेंद थी, देखिए क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र जिसे कहते हैं, यॉर्क लाइन की गेंद थी, जहां पर सिंगल रोटेट होगा, चीकी सिंगल मिलेगा, लेकिन फिर से एक बार मिसफील्ड हो रही है। जितने आप मिसफील्ड करेंगे उतना देखिए आप प्रेशर में आ जाएंगे, क्योंकि आपको 3 गेंदों की देखिए पेनल्टी भी है, यानी आपको गेंदे खेलने मिलेगी कुल मिलाकर 27 गेंदे खेलने मिलेगी। 27 गेंदों में आपको लगातार प्रहार करने पड़ेंगे। जहां पर 42 बने हैं, लॉस ऑफ 3 विकेट्स, आने वाली 2 गेंदे, मुकुंद कैसे गेंदबाजी करेंगे, कुछ अच्छी सोच के साथ गेंदबाजी करना बहुत जरूरी है। अच्छी गेंद इस बार, देखिए रन लेना चाहते है, शोहेब स्ट्राइक पर आना चाहते हैं। देखिए इस बार रन आउट के रूप में शब्बीर बैक टू द पवेलियन लौटना पड़ेगा, शोहेब आउट है, देखिए शोहेब को लौटना पड़ेगा बैक टू द पवेलियन। आखिरी 1 गेंद आना बाकी है, मुकुंद अच्छी गेंदबाजी करे, अच्छी लेंथ, अच्छे टप्पे के ऊपर गेंदबाजी करना बहुत जरूरी है। और मुकुंद की बात की जाए तो अभी तक अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन फील्डरों ने उनका साथ नहीं दिया है, लगातार मिस फील्ड किए हैं, लगातार खराब थ्रोस किए, खराब फील्ड की और लगातार रन संख्या में बढ़ोतरी हुई। रन संख्या जाकर पहुंची 42, लॉस ऑफ 4 विकेट्स, आने वाला आखिरी गेंद 5वें ओवर का, स्ट्राइकर बल्लेबाज हम देख रहे सकलेन। देखने वाली बात, सकलेन क्या करेगी स्क्रीन पर, लेकिन देखिए अंपायर का इशारा व्हाइट आएगा, गेंदबाज दिशा से भटकेंगे, जहां पर रन संख्या 43, लॉस ऑफ 4 विकेट। अच्छा स्कोर, एक अच्छा टोटल खड़ा किया अभी तक 43 रन, लेकिन देखने वाली बात क्या गेंदबाजी करते हुए कैसी गेंदबाजी करेंगे, किस गेंदबाज के ऊपर सभी की नजर रहेगी। राइट ओवर द विकेट मुकुंद, अच्छी गेंद, अच्छा शॉट किया सकलेन ने, वहां पर वन बाउंस की सीमा रेखा की तरफ ट्रैवल हो रही है, जहां पर मिलेगे 4 तो होगा बेड़ा पार, सीमा रेखा पार, ये तो है ब्रांडेड सौकार। रन संख्या 47, लॉस ऑफ 4 विकेट का पतन हुआ है, यहां पर 5 ओवर का खात्मा हुआ, 47 और 48 रनों का टारगेट खड़ा किया है, 30 गेंदे और 48 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। जहां पर कोल्तरी को इस मुकाबले को जीतना है तो बनाने के 48 रन, इसके बाद होने वाला मुकाबला फलक 11 जालगांव वर्सेस तालंदे, दोनों कैप्टन टॉस खिलाना है।
झलक 11 जालगा वर्सेस पालन। देखिए कैप्टन टॉस के लेना है जल्द से जल्द। इसके बाद होने वाला मुकाबला 4 ओवर का होगा। झलक 11 जालगा वर्सेस पालन थे, दोनों कैप्टन टॉस के लेना है जल्द से जल्द। इस टूर्नामेंट के अंदर जिन्होंने अपना योगदान दिया, स्पॉन्सर बने और इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत सारा योगदान दिया। वलीद मुकादम जिन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर जो ट्रॉफीज देख रहे हैं सभी ट्रॉफीज को स्पॉन्सर किया है, उनका भी हम कमेटी की ओर से शुक्रिया अदा करते हैं। रवि घाग 5000, आतंक होटल 5000, अकबर काजी 2000, निसार काजी 2000 एंड संदीप कालेकर 3000, फिलहाल समीर केलकर संदीप केलकर 3000, बिलाल समीर 2000, हुसैन फाइबर 1000, एंजल फाइबर 5000, शंकर 1000, रऊफ हजवाने 1000, रिजवान काजी 4000। इनका हम फिर से एक बार कमेटी की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और इस टूर्नामेंट के अंदर हर एक मुकाबले के बाद जो मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है उस मैन ऑफ द मैच के लिए मेडल है जिन्होंने स्पॉन्सर किया जमाल काजी, उनका भी हम तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करते हैं। जुबेर काजी जो कि फाइनल मुकाबले के लिए एक मैन ऑफ द मैच के लिए ट्रॉफी है उन्होंने स्पॉन्सर की है जुबेर काजी, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कमेटी की ओर से। तला देशमुख 500 और आर्यन होटल 500। ये पर मैच मैन ऑफ द मैच के लिए जमाल काजी और जो फाइनल का मैन ऑफ द मैच के लिए ट्रॉफी हो जमाल काजी ने स्पॉन्सर किए उनका भी हम तहे दिल के साथ शुक्रिया अदा करते। और फाइनल मुकाबले के अंदर रनर अप और विजेता टीम के लिए मेडल्स जिन्होंने स्पॉन्सर किए हैं जुबेर काजी, उनका भी हम कमेटी की ओर से शुक्रिया अदा करते हैं। तला देशमुख 500 और आर्यन होटल 500, इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जिन्होंने महत्वपूर्ण काम किया इस टूर्नामेंट के अंदर जिन्होंने मंडप डेकोरेट किया है और हम सुकून से चैन के साथ बैठे हुए हैं अनिल, उनका भी हम कमेटी की ओर से शुक्रिया अदा करते हैं। फिर से एक बार आपको ले चलता हूं मुकाबले की तरफ जहां पर ये कड़ा मुकाबला चला हुआ है। आने वाले गेंदों के अंदर बात की जाए तो 27 गेंदे और आपको 48 रन बनाने पड़ेंगे। गरीब नवाज बुरुंडी ये बात नोट करके लेना है कि पहली ओवर के अंदर आप 3 गेंदे कम डालना है पहली ओवर के अंदर। बैट्समैन नेम कमेटी का यहाँ पर डिसीजन है कि पहली ओवर के अंदर आप 3 गेंदे कम डालना है, 3 गेंदे फेंककर ओवर का खात्मा होगा। बैट्समैन नेम अपना एक्स्ट्रा खिलाड़ू कॉमेंट्री बॉक्स में दिलावे 12वा खिलाड़ू खोलते रे अपना 12वा खिलाड़ू कॉमेंट्री बॉक्स में दिलावे। पहले ओवर मध्य 3 चेंडू कमी टाकने देतील, 27 चेंडू आणि 48 धावा भूटाबान।
जहां तक बात की जाए उस मुकाबले की, तो आने वाले गेंदों की तरफ बात की जाए 27 27 गेंदे और 48 रनों की जरूरत है। जहां पर कापुली का विराट कोहली जिसे कहा जाता है शैलू जनसागमन होते जनसमना पर सुना हार्दिक हार्दिक स्वागत है। यशवंत नॉन स्ट्राइक और स्ट्राइक पर बल्लेबाज विक्रांत गेंदबाजी के लिए फरमान भाई आ रहे हैं। यहाँ पर राइट हम होते विकेट के साथ गेंदबाजी करेंगे। अच्छी गेंद देखिए गेंद निकला था बदला ये सीधा कीपर के दस्तर में निकल रही है। इस गेंदबाज की बात की जाए तो 50 प्लस यानी कि लेजेंड खिलाड़ी है और इनकी गेंदबाजी देखिए है फरमान भाई गेंदबाजी कर रहे हैं। जहां पर राइट हम होते विकेट के साथ जहां पर गेंदबाजी कमाल की हो रही है। अच्छा शॉट खेला एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फील्डर मौजूद है अच्छी फील्ड जरूर करेंगे। वहां पर देखिए कुल मिलाकर अगर बात की जाए यहाँ तो अच्छी फील्ड की है। साहिल ने देखिए अपना खाता खोला है पहली ओवर का आखिरी गेंद लेकर गेंदबाजी मार्ग पर फरमान अभी तक एक ही रन खर्च किया है। जहां पर अगर स्ट्राइकर बल्लेबाज की बात की जाए यशवंत नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज विक्रांत और थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली हो रही है। जहां पर तीन गेंदों की पेनल्टी देखने मिली बीच मैदान के अंदर। अब फरमान राइट हम हर दो विकेट के साथ गेंदबाजी करेगी अपने टीम के लिए। जहां पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज यशवंत स्ट्राइक पर मौजूद है 25 गेंदे और कुल बनाकर बनाने हैं 47 यानी ये मुकाबला पूरी तरीके से फंसा हुआ है। अच्छी गेंद 30 बार गेंद सीधा निकल रही है कीपर के दस्तर में लाजवाब मैग्निफिसेंट गेंदबाजी हो रही है किफायती गेंदबाजी एक ओवर का खात्मा रन संख्या कुल मिलाकर बनी एक मैग्निफिसेंट गेंदबाजी कमाल लाजवाब शानदार गेंदबाजी देखने मिली फरमान की ओर से। जहां पर आने वाली गेंदों के अंदर बात की जाए तो 24 गेंदे हैं और आपको 47 रन बनाने हैं। यह मुकाबला पूरी तरह से आप फंसा हुआ नजर आएगा। इस मुकाबले के अंदर बात कीजिए तो बड़े शॉट खेलना बहुत जरूरी है 24 गेंद और 47 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। पालंद के कैप्टन टॉस के लिए आना है पालंद पलक 11 जालगांव के कैप्टन यहां पर मौजूद है। पालंद अपने कैप्टन भेजना जैसे जल्द टॉस के लिए इसके बाद जल्दी मुकाबला होगा और 4 ओवर का मुकाबला होगा। पालन दे चला लौकर टॉस सड्डी पालन दे जहां तक बात की जब एक ओवर का खात्मा हुआ रन संख्या कुल मिलाकर एक बने। अच्छा शॉट खेला है बल्लेबाज से जहां पर मिड विकेट की दिशा में फील्डर मौजूद है थोड़ी सी मिस फील्ड हम आउटफील्ड खराब दिख रहे हैं। दूसरा रन आसानी के साथ मिलेगा अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट बीच मैदान के अंदर जहां पर दो रन मिलेंगे रन संख्या कुल मिलाकर देखिए 3 रन पर जा पहुंच रही है। जहां पर विक्रांत और यशवंत जो सलामीवीर प्रमाणिक बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर है जहां पर दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर चल रहा रन से क्या कुल मिलाकर 3 रन बनी है 30 गेंदे और 30 गेंदे पर 45 राइट हैंड ओवर द विकेट कैच गेंदबाजी मार्ग पर अच्छी गेंद बल्ले का ऊपरी सा और गेंद सीधा जाकर शोहेब के हाथों में टकराए अच्छी कैच लपकी वहां पर और विकेट का पतन विक्रांत बैक टू द पवेलियन पहली विकेट का पतन हो रहा ब्रेक थ्रू दिलाया गेंदबाज कैफ ने। जहां तक बात की जाए तो अगले बल्लेबाज श्री आए हैं वन आउट के रूप में बीच मैदान के अंदर श्री अच्छी गेंद 30 बार गेंद ने कांटा बदला था और गेंद सीधा कीपर के दस्तर में जाकर टकराई जहां पर विकेट का पतन हुआ। आगे होने वाला मुकाबला एक तरफ अगर बात की जाए पलक 11 जालगांव वर्सेस पालंद के बीच जहां पर टॉस होगा और टॉस का बॉस कौन होता है देखने वाली बात इस मुकाबले के अंदर। जब स्ट्राइकर बल्लेबाज श्री नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज हम देख रहे हैं यहाँ पर यशवंत राइट हम होते विकेट गेंदबाजी के लिए अच्छी गेंदी देखे सम्मान दिया इस गेंद को फ्रंट फुट पर आकर इस गेंद को शानदार स्ट्रोक खेला गेंद गेंदबाजी मार्ग पर तो राइट हम होते विकेट के साथ गेंदबाजी के लिए तैयार रहेंगे गेंदबाज बात की जाए तो कई गेंदबाजी कर देखे अच्छी गिनती अंपायर का इशारा नो बॉल नो प्लस वन देखिए ओवर स्टॉप किया है देखिए गेंदबाज ने इस बार मुझे लग रहा है जहां पर टॉस हो रहा है एक तरफ पलक 11
जालगांव तो दूसरी तरफ पालंदे, टॉस हो रहा है, टॉस का बॉस कौन रहेगा देखने वाली बात। पर टॉस जीता ब्लैक 11 के कैप्टन ने और अपना डिसीजन बताया। चलेंगे मुकाबले की तरफ जहां पर कैफ गेंदबाजी कर रहे हैं। रन संख्या कुल मिलाकर 5, 1 विकेट नुकसान वहां है। राइट हम ओवर द विकेट के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज। यशवंत के लिए जहां पर अपना खाता खोलेगा यशवंत एक रन के साथ। चीकी सिंगल मिलेगा बीच मैदान के अंदर हम देख रहे हैं जहां पर रन संख्या कुल मिलाकर 6-1 विकेट नुकसान। दूसरी ओर का खेल प्रगति पर चल रहा है। अच्छा टारगेट खड़ा किया है बीच मैदान के अंदर। बात की जाए इस टारगेट को देखिए डिफेंड करते हुए नजर आएगी क्या कैफ गेंदबाजी करे। 4 गेंदों के अंदर 5 रन खर्च हुए हैं और 1 विकेट का नुकसान बाकी है। राइट ओवर द विकेट शॉर्ट गेंद थी, देखिए अच्छी गेंद लाजवाब शानदार टप्पा था इस गेंद का। तेजी के साथ गेंद ट्रैवल हुई थी। रन बनेंगे जहां पर राइट फोर्थ विकेट के साथ गेंदबाजी के लिए कैफ। अच्छी गेंद जरूर थी गेंद का बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा गेंद चार डिक्लेरेशन एरिया की तरफ जहां पर दो ओवर का खत्मा। रन संख्या कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 7 रन बने 1 विकेट नुकसान हुआ है। जहां पर कैफ की अच्छी गेंदबाजी किफायती गेंदबाजी करते हुए नजर आए। कुल मिलाकर रन खर्च के 6 और 1 बल्लेबाज को बैक टू द पवेलियन भेजा। दो ओवर का खत्मा हुआ रन संख्या कुल मिलाकर 7-1 विकेट का नुकसान हुआ है। यहाँ पर देखिए टॉस हुआ और टॉस का बॉस हमें देखने मिला जो तक बात की जाए। सफेद लिंदा तो मार्ग पर आ रहे हैं जहां तक स्ट्राइकिंग बल्लेबाज हिस्सा बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकिंग बल्लेबाज सिरी। देखिए यशवंत की बात की जाए तो अभी तक 2 गेंद खेली 1 रन बनाए हैं। सकलेन राइट टर्म राउंड विकेट। ओहो इस बार मुझे लग रहा है दिशा से भटक रहे गेंदबाज व्हाइट का इशारा। रन संख्या कुल मिलाकर 8 बनी है जहां पर 1 विकेट का नुकसान हुआ है। शानदार आपको गेंदबाजी करनी होगी किफायती गेंदबाजी करनी होगी अगर इस मुकाबले के अंदर आपको इस रन चेस को डिफेंड करना है। आप देखिए 18 गेंदे और 40 रनों का समीकरण बीच मैदान के अंदर बना हुआ है। पहली ओवर के अंदर अगर बात की जाए तो फरमान की किफायती गेंदबाजी शानदार टप्पा और अच्छी टर्निंग गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को पूरी तरह से चरोकाने की चीत किया था। अच्छा शॉट खेला हेलीकॉप्टर जरूर उड़ा एक साथ कवर की दिशा में जहां पर फील्डर मौजूद है। आउटफील्ड थोड़ी सी खराब है 1 रन मिलेगा और दूसरा रन भी आसानी के साथ है यानी कि 2 रन के साथ देखिए संतुष्टि होगी और रन संख्या कुल मिलाकर जहां पहुंच रही है बीच मैदान के अंदर 10 बने हैं 1 विकेट का नुकसान हुआ है। जहां पर देखिए सकलेन गेंदबाजी कर रहे हैं सकलेन किसी गेंदबाजी करेंगे क्या लेट के साथ गेंदबाजी करेंगे देखने वाली बात। प्रेशर में तो जरूर रहेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज यशवंत हार्ड हिटर बल्लेबाज है। उस एक बार गेंदबाजी के लिए अच्छी गेंद अच्छा शॉट खेला देखिए गेंद तेज तरह हार फेंकी थी बल्लेबाज ने। जरूर इस बार अच्छी गेंद आ रही है गेंद रन संख्या कुल मिलाकर अगर बात की जाए 9 रन बने हुए बीच मैदान के अंदर अगर बात की जाए। गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर हवा अगर बात की जाए गेंदबाज की तो सकलेन गेंदबाजी कर रही है राइट हम बाउंड विकेट के साथ शॉट गेंद गेंद हवा में है गेंद के नीचे क्या फील्डर आएंगे नो लैंड्स पे गिर गिरती हुई जहां पर अल्तमस फील्ड करेंगे पर देखने वाली बात रन आउट का मौका बन सकता है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट जरूर की अंपायर का इशारा 2 रन मिलेंगे और 2 रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 11 रन पर जा पहुंच रही है। धाव बल की ओरती धाव संख्या 11
धाव संख्या 11 एक गड़ी बाद धाव संख्या 12 धाव संख्या अंपायर का इशारा व्हाइट और व्हाइट के साथ रन संख्या कुल मिलाकर देखिए 13 रन पर जा पहुंचे जहां पर एक विकेट का नुकसान हुआ है। जहां तक गेंदबाज सकलन की बात की जाए 3 गेंदें फेंकी है, थोड़ी सी दिशाहीन भटकने वाली गेंदबाजी कर रहे बीच मैदान के अंदर, थोड़ी सी प्रेशर में गेंदबाजी कर रहे हैं। 15 गेंदें 35 रन की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। जहां तक बात की जाए सकलेन 5 रन बड़े थे, 2 विकेट 0 विकेट का नुकसान बीच मैदान के अंदर। राइट थम राउंड विकेट अच्छी गेंद थी, देखिए गेंद निकल रही है जहां पर रन आउट का मौका बन सकता है। खराब थ्रो किया सकलेन ने, गेंद निकल रही है डिक्लेरेशन एरिया की तरफ जहां पर 2 रन मिलेंगे और 2 रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 15 रन पर जहां पहुंच रही है। जहां पर एक विकेट का नुकसान हुआ है, तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर चल रहा है, 14 गेंदे और 33 रनों की जरूरत है। जहां पर करंट रन रेट की बात की जाए 5 तो एक तरफ रिक्वायर्ड रन रेट की बात कीजिए 14.14, यानी कि आपको कुल मिलाकर 14 रन बनानी पड़ेगी हर एक ओवर के अंदर की बात की जाए। 15 रन बने हैं, एक विकेट का नुकसान, तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर चढ़ा हुआ है जहां पर सकलेन ने 4 गेंदें फेंकी है और 7 रन खर्च किया अभी तक। राइट राउंड विकेट उड़ाया इस बार, पाले में गिनती जरूर, गेंद चौके की तरफ ट्रैवल हो रही है, फील्डर मौजूद है वहां पर, अच्छी फीड करेंगे। जब तक देखिए फीड करेंगे तब तक 2 रन आसानी के साथ, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 17 रन पर जा पहुंच रही है। यानी कि आने वाला जो गेंद है आखिरी तीसरे ओवर का, वो खतरा लेकर आएगा क्या, दिखने वाली बात है। बल्लेबाज को खतरा रहेगा जब बल्लेबाज गेंदबाज को खतरे में डालेंगे। राइट नंबर राउंड विकेट के साथ, ओ इस बार मैंने पहले कहा था विकेट का पत्थर, आने वाला गेंद खतरा लेकर आएगा। बल्लेबाज श्री बैक टू द पवेलियन, 3 ओवर का खात्मा, रन संख्या कुल मिलाकर 17 बनी है जहां पर 2 विकेट का नुकसान। आने वाले गेंद की बात की जाए तो 12 गेंदों पर 31 रनों की जरूरत है। रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो 15.50 का, यानी कि हर एक ओवर के अंदर आपको 15 रन बनाने पड़ेंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। गेंदबाज मार्क पर कई फायदे हैं, 12 गेंदे और 12 गेंदों पर आपको बनाने हैं 31 रन। ब्लैक 11 जालगांव टॉस जीता है, टॉस जीतने के साथ अपना फैसला बताया। जहां पर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज कई राइट और विकेट के साथ तैयार है यशवंत के लिए, अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, हेलीकॉप्टर उड़ाया गेंद, वहां पर मौजूद फील्डर है जरूर, एक रन आसानी के साथ दूसरा लेना चाहते हैं और दूसरा रन भी आसानी के साथ मिलेगा। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर जा पहुंच रही है। 19 रन पर 2 विकेट का नुकसान हुआ है। जहां तक बात की जाए दुनिया की गेंदबाजी के लिए कैफ अपने कोटे से दूसरी और टीम की ओर से चौथी ओवर लेकर गेंदबाजी मार्ग पर आए हैं और अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है। जहां तक देखने वाली बात किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी गिनती, तेज तरहार गिनती, देखिए पेस से बीट हुए बल्लेबाज, तेज तरहार गेंदबाजी कैफ। कैफ की बात की जाए तो चौथी ओवर के अंदर आए, पहली गेंद पर 2 रन खेले थे, दूसरी गेंद पर एक तेरी तो एक मेरी, यानी कि यशवंत थोड़े से स्ट्रगल कर रहे हैं। 7 गेंदों पर 7 रन की बल्लेबाजी कर रहे हैं, 10 गेंदे 29। आपको बड़े शॉट खेलना बहुत जरूरी है मैदान के अंदर, अगर इस मुकाबले को आपको जीतना है तो छक्के और चौके लगाना बहुत जरूरी है। राइट ओवर द विकेट, ओहो यार्ड लाइन की गिनती, देखिए क्रिकेट का भ्रमस्त क्रिकेट का वही गेंद, यॉर्क लाइन की गेंद थी, ब्लॉक हॉल की गेंद पूरी तरह से बल्लेबाज चारू खानी चीत खोद के निकाला था जरूर इस गेंद को, लेकिन रन संख्या कुल मिलाकर 20 रन पर जा पहुंच रही है।
9 गेंदे 28 रन की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। मुकाबला पूरी तरह से कोल तरह फंसा हुआ है इस मुकाबले के अंदर। कौन इस मुकाबले फंसा हुआ निकालेगा इस मुकाबले से, देखने वाली बात। आने वाले 9 गेंदे पर 28 रन राइट ओवर द विकेट कैफ। ओहो नहीं, गेंद ने कांटा बदला था, आउट स्विंग होती हुई गेंद सीधा कीपर के दस्तानों में। यहां पर शोहेब मौजूद है, 10 रन बने हैं, 2 विकेट का नुकसान हुआ है। आने वाले गेंदों के अंदर बात की जाए तो कुल मिलाकर 2 गेंदे आना बाकी, 8 गेंदे और 28 रनों की जरूरत है। यानी कि आपको 5 छक्के लगाने ही इस मुकाबले को जीतने के लिए। 28 5 छक्के 30 बनते हैं, यानी आप 2 रन ज्यादा बना सकते हैं, देखने वाली बात। ओहो क्या लाजवाब शानदार गेंदबाजी कर रहे कैफ, किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी तक दूसरी ओवर फेंक रहे हैं और 9 रन खर्च किए हैं। इकोनॉमी की बात की जाए इस खिलाड़ी की तो अभी तक 4.91 की इकोनॉमी है, यानी लगभग 5 रन की इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज कैफ। जहां तक 9 रन दिए हैं, 7 गेंदे 28, फिर से एक बार आप मुकाबले के अंदर अभी तक बरकरार है, जान बाकी है, देखने वाली बात। ओहो इस बार थोड़ा सा अतिरिक्त करना चाहते थे गेंदबाज कैफ। कुल मिलाकर देखे व्हाइट प्लस 1, कुल मिलाकर 2 रन मिलेगा और 2 रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर जाकर पहुंचेंगे 22 रन पर। जहां पर आने वाले 7 गेंदों पर अगर बात की जाए तो 26 रन की जरूरत है। इसके बाद जो अंपायर मुकाबले के अंदर रहेंगे दानिश मौलाना और लबीब। ओहो इस बार जोरदार गेंद लगी है, देखिए पूरी तरह से बड़ी बात, चारों का निश्चित हुए थे, थोड़े से देखिए स्ट्रगल किए थे बीच मैदान के अंदर। बात की जाए रन संख्या कुल मिलाकर 23 बनी है, जहां पर 2 विकेट का नुकसान हुआ है। इस मुकाबले के अंदर आपको देखिए रन बनाने पड़ेंगे मित्रों। रात्र नहीं स्वप्न बदलते, दिवाराई वाद बदलते, अरे नेहमी जिंकायची आशा असावी, कारण नशीब बदलो ना बदलो मित्रांनो वेल नक्कीच बदलते। क्या कमी रही गई है देखो और सुधार करो, जब तक सफल ना हो तब तक जय ना नींद त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रन संख्या की बात की जाए तो रन संख्या कुल मिलाकर 23 बनी है। आने वाली 6 गेंदे और 6 गेंदों पर 25 रन बनाने इस मुकाबले के अंदर। देखिए आपको कुल मिलाकर 4 छक्के लगाने हैं, लंबे छक्के लगाएंगे तो इस मुकाबले के अंदर फिर से एक बार आप बरकरार रहेंगे, देखने वाली बात। पहली गेंद से ये कारवा फिर से एक बार चालू होगा, जहां पर गेंदबाजी मार्ग पर शाहिद आ रहे हैं। स्टार्टर बल्लेबाज की बात की जाए यशवंत बल्लेबाज थोड़े से स्ट्रगल कर रहे बीच मैदान के अंदर। उड़ाया गेंद को, हेलीकॉप्टर फील्डर मौजूद है वहां पर, अच्छी फील्ड अल्तमश की, एक ही रन मिलेगा। जहां तक अल्तमश की बात की जाए गेंद को कलेक्ट किया और तेजी के साथ फिर से एक बार उड़ाया। अलग 11 जालगांव अपना डिसीजन बताया जल्द से जल्द। आइटम और द विकेट के साथ गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार तैनात होंगे शाहिद। आने वाले 5 गेंदों पर आपको बनाने कुल मिलाकर 24, यानी कि 5 गेंदों में आपको 4 छक्के लगाने हैं। 4 छक्के लगाएंगे तो ये मुकाबला फिर से एक बार कोल तरी जीत सकती है। 5 गेंदे 24 राइट और द विकेट के साथ गेंदबाजी के लिए जर्सी नंबर 1 शाहिद गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं। ओहो अच्छी गेंद थी, गेंद आकर सीधा। जहां तक बात करें 24 लॉस ऑफ 2 विकेट, गेंदारी 1 रन मिलेगा। आने वाली 3-4 गेंदों पर 23 रन बनाने हैं। अभी तक ये मुकाबला आपके पास बराबर है, जान बाकी है इस मुकाबले के अंदर। 4 छक्के लगाएंगे तो फिर से एक बार मुकाबले के अंदर आप बने रह सकते हैं। 4 गेंदे 23 25 बने लॉस ऑफ 2 विकेट। 5वें ओवर का खेल उड़ाया, देखिए फिर से एक बार एक सेकंड ओवर की दिशा में गेंद ट्रैवल जरूर हो रही है लेकिन 1 ही रन मिलेगा। देखिए आपको एक सिंगल डबल से अब कुछ नहीं होने वाला है, लंबे शॉट खेलना बहुत जरूरी है, छक्के चौके लगाने पड़ेंगे हर मुकाबले को जीतना है। रन संख्या की बात कीजिए तो आप बनाने हैं आपको कुल मिलाकर 3 गेंदों पर 21 रन की जरूरत, 21। ये मुकाबला फिर से एक बार फंसा हुआ है कोल तरी के लिए। अगर 9 गेंद आता है छक्का लगता है फिर से एक बार मुकाबले के अंदर जान बाकी रहेगी। आइटम राउंड विकेट के साथ, ओहो इस बार देखिए अंपायर का इशारा व्हाइट, व्हाइट के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 20 रन पर जा पहुंच रही है, जहां पर 3 गेंदे और 20 रनों की जरूरत है। लेकिन 9-1 आ सकता है, क्रिकेट का समीकरण दोस्तों, क्रिकेट के खेल के अंदर कुछ नहीं कह सकते। अगर 9 आता है
और एक बड़ा शॉट आता है तो मुकाबले की तरफ एक बार कोलतरे कम बैक कर सकती है। जरूर अच्छा शॉट खेला, स्टैंड एंड डिलीवर किया, फील्डर मौजूद वहां पर, कैफ अच्छी की फील्ड करेंगे, एक ही रन मिलेगा, एक रन के साथ रन संख्या देखिए चार रन मिलेंगे और रन संख्या कुल मिलाकर जाकर पहुंचे 32 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। एक बड़ा शॉट आए, दो गेंदे और 16 रन की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। जहां तक बात की जाए तो पहले बड़े शॉट खेलना बहुत जरूरी था, ईश्वन उड़ाया इस बार गेंद सीमा रेखा के तरफ 6 रनों के लिए, मैग्निफिसेंट शानदार स्ट्रोक, पाली में गेंद थी इसे पार्क किया पार्किंग लॉट में, जहां पर एक गेंद और 10 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। जब यशवंत ने पहले अब अगर शुरुआती लंबे शॉट खेलते ना तो बहुत अब यह मुकाबला आपके साथ बना रह सकता था आपके, लेकिन एक गेंद और 10 रन की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। जहां पर एक गेंद 10 रन, फिर से एक बार मुकाबला फंसा हुआ है बीच मैदान के अंदर, शाहिद थोड़े से प्रेशर पर रहेंगे, अगर नो गेंद आता है तो फिर से एक बार मुकाबला करो या मरो वाला मुकाबला होगा बीच मैदान के अंदर, ऊंच नीच होती रहेगी इस मुकाबले के अंदर। अगर बात की जाए आखिरी गेंद तक मुकाबला, एक गेंद 10 रन की जरूरत, राइट धम्मा और राउंड विकेट के साथ गेंदबाजी के लिए यशवंत स्ट्रैंगल मौजूद है। अगली गेंद शॉट, गेंद गेंद हवा में है, विकेट का पतन हो सकता है, गेंद के नीचे फील्डर आ रहे हैं, शाहिद पकड़ेंगे कैच और यह मुकाबला गरीब नवाज बुरुंडी ने जीता है। कांग्रेचुलेशन हार्ड लक बॉयज कोलतरे।